अग्निरुद्ध चौधरी थोड़ी करने है, उसने तो उड़ा था पिला रखे जा बेटा तेरी चाचे विरोध लड़ ले इलेक्शन रोड़ा तो लिकट गया, लड़ाई तो लिकट गया, पंडो चुट के सिर पटरे अटका कर सब कुछ दाया के थे टोड़ और डिफॉल्टर कट्टो चौधरी बंसीलाल कहा करता था रोत की कोत की एक होते हैं उसको रोत तक सिवाय कोई काम नहीं है। श्रुति जीतेगी। अच्छा हाँ, चौधरी बंसीलाल की वारिस है सुरेंद्र और श्रुति। परिवार तो सारा चेहरा नया नया लगा हम तो। अच्छा, परिवार में तो नहीं कोई कांग्रेस में धोड़ा पर नहीं आका थाना में रोड़ो जाएगा तो चार दिन चक्कर मटाया मराया गया था पी की चाह वाले ने उल्टो दिया करता। जब उसकी बहन की शादी थी तो चौधरी बंसीलाल को नहीं बढ़ने दिया था, भजन लाल को विदा करवाई गई थी, उनका कोई वजूद को नहीं आया वही बाजरे की दौड़ में। अच्छा हाँ, आना मैडम किरण चौधरी रहेगी। बंसीलाल का पोतन तो जी होने जबरदस्ती आड़ लाया गया है तो बाड़ा कैंडिडेट था तो वही रहना चाहिए था। पहले 5 बार चंडीगढ़ चक्कर काटेगा दौर काटेगा था 5000 भाड़ो ला जाएगा तो 7 दिन फिर वो आखिरी में होकर तो कोने पहली भर्ती हाथांत कराया करता वो कंछिल हो जाया करती कितना बच्चा भविष्य बर्बाद हो जाता। अच्छा के चीज थी के दिक्कत थी मेरा हार्ट की दिक्कत थी। अच्छा इलाज हो जाएगी दिस। अभी उड्डा साहब कह रहे हैं कि हम 6000 पेंशन देंगे अपने घर से देंगे क्या 6000 पेंशन। पहले कि संविधान पढ़ा है आपने, संविधान श्रीमती इंदिरा जी ने पलटा था 1975 में, सबको पढ़ता है। खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शक सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जब सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा का। लगातार हरियाणा की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपका शहर में लिया करा दिखाया करा बताया करा। आज एक बार फिर आपके बीच में हूं, फील्ड के ऊपर उतरिया हूं और फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो हल्का तो शाम के गाँव इसराल के अंदर मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे जो है जगन्नाथ पार्क है भाई। चौधरी जगन्नाथ जी की अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा नेता रहे हैं हरियाणा के जिन्होंने 3 बार मंत्री पद त्याग किया था आम जनता खातर जन सेवा खातर। उस पार्क के अंदर में मौजूद है ऐसी महान विभूति राम राम भाई साहब और जो है विस्तारित मंडल कार्यकारिणी बैठक है। थोड़ा और आगन साहब दिखा दे भाई, इसराल मंडल की यह बैठक है जिसके अंदर जो जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी हैं और जो हमारी 4 बार की विधायक मैडम किरण चौधरी हैं, 2 बार की कैबिनेट मंत्री हैं जो अभी अभी ताज़ा जो है भाई कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुई हैं और अलग अलग कार्यकर्ता जो पीछे प्रत्याशी थे 2019 के अंदर शशिरंजन परमार अनिल शर्मा मेरे बहुत सारे लोग आओगे भाजपा के अपने विचार धरेंगे। उससे पहले जो जनता एक बार घुमा के दिखाइए भाई, जो जनता उनका इंतज़ार करने लग रही है इतना लंबा टाइम पर, टाइम शायद 10:30 का था, 11:30 का था क्या, 11:30 का टाइम था। अच्छा मेरे तरह फिर मेरे तरह जल्दी फ़ोन आया इसका मतलब 10:30 बजे और टाइम फिलहाल क्या हो रहा है 1 बज गया तो 1.5 घंटा लेट चलने लग रहे हैं लेकिन जनता फिर भी जो है उन नेताओं खातर उनकी बात सुन खातर वेट करने लग रही है इंतज़ार कर रहे हैं। अब जनता एक भावना है तब तक आप वह सुन लें तब तक वह भी आ जाएंगे फिर उनकी भी सुन लें। राम राम भाई जी। राम राम जी। तो फिर मैडम जो है थोड़ा हो रहा कन वाले भाई, तो मैडम जो है भाजपा में आ गई हैं तो फिर कितना के प्रभाव मानो इस बात का? प्रभाव पूरा है जी। किसका नुकसान किसका फायदा? बीजेपी का फायदा है, बीजेपी का पहले ही फायदा था, आज भी फायदा है, मैडम का और ज्यादा फायदा है। ना जो लोग हैं भाजपा के जो वोटर थे वो नाराज हो गए इस बात पे? बिल्कुल नाराज नहीं है जी, भाजपा के वोटर को तो सिर्फ एक ही जगह ध्यान केंद्रित है, जैसे अर्जुन का चिड़िया की आंख पे था उसी तरह कमल के फूल के ऊपर ध्यान केंद्रित है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का। अच्छा हाँ जी। तो अब दावेदारा के जो है श्रेणी बढ़ गई है, नाम बढ़ गए हैं तो कौन सा मजबूत दावेदार होगा जो हल्का तो सामना कमल का फूल खिला? ये तो जी भविष्य के गर्भ में है। अच्छा। जो कैंडिडेट आता है वो सर्वोपरि हमारे लिए, हमारा कैंडिडेट है कमल का फूल। अच्छा। भारत देश को ऊंचाइयों पे ले जाने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी और के बस की बात को नहीं, पिछले 60-70 साल देख लिया सबने, आज भारत को पूजा जा रहा है हर जगह, बीजेपी से बड़ी कोई ताकत को नहीं। और फिर तीसरी बार हरियाणा के अंदर फिर सरकार बहुमत से, बहुमत है थोड़ा करना भाई, अब ये तो कहे बहुमत है चलो भाजपा की वोटर हो मान लिया, लेकिन लोकसभा 2019 में जहाँ कांग्रेस की 0 सीट थी उड़े काड़ा 5 सीट 2024 लोकसभा चुनाव में काटी है तो वोट बैंक तो बढ़िया है, दोबारा कांग्रेस जो है टक्कर मारी नहीं, कांग्रेस ने लोगों को गुमराह किया है, सच्चाई तो ये है। के गुमराह करे? उन्होंने एक लोगों को 8,500 रुपये देंगे, आरक्षण देंगे और कुछ संविधान एक लोगों को दिखावा दिखाया, वैसे और कुछ नहीं है। अच्छा ये तो टोटली झूठा दिखावा था, कांग्रेस ने गुमराह किया, झूठा वोट बैंक बना रहे हैं, उनका वोट बैंक है ही नहीं, वोट बैंक ओनली बीजेपी का है।
तो ये पांच सीट जो पांच सीट किस आधार पे आई है? आप पढ़े लिखे हैं, आपको पता है, आपने पता है कि संविधान पढ़ा है आपने, संविधान श्रीमती इंदिरा जी ने पलटा था 1975 में, सबको पता है, पूरा संविधान उठा के पूरा पलट दिया, मिनी संविधान बना डाला, वो बात सबको पता है, लेकिन सबको गुमराह किया, पूरे पूरे भारत की जनता को गुमराह किया। ये किसकी कमी है? जनता की कमी है। जनता ऐसे पागल बनती रहेगी क्या? ये झूठ फैलाते रहेंगे और जनता उसको मानती रहेगी? उसके कारण ये सीटें ले गए, उसको अपना वोट बैंक ना समझेंगे। ये गलती कर रहे हैं कांग्रेसी, उसको अपना वोट बैंक समझ के। जनता इनको जवाब देगी, जनता के सामने अब सच्चाई आ चुकी है। अब इस इलेक्शन में देखना, जनता उस पीछे फैलाए हुए झूठ का तमाचा इनके मुंह पे मारेगी। कितनी सीट मानो है भाजपा की? भाजपा की सीटें फुल बहुमत में भाजपा आएगी। वो 75 पार वाला नारा दो, नो, कोई नारा नहीं, बट हमारी हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और मेजोरिटी में हमारी सरकार आएगी, क्योंकि कांग्रेस का फैलाया हुआ झूठ अभी हर एक कार्यकर्ता के सामने आ चुका है। नॉट ओनली दिस, अभी हुड्डा साहब कह रहे हैं कि हम 6000 पेंशन देंगे, अपने घर से देंगे क्या 6000 पेंशन? पहले क्यों नहीं दी? और अब एक और झूठ प्रसार किया जा रहा है हरियाणा में ओपीएस का, कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। कर्मचारियों को अपने हक में झूठ फैला के कर रहे हैं। कर्मचारी ये कह रहे हैं कि चलो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में नहीं दिया ओपीएस का, बट वो वर्बली तो अश्योर कर रहे हैं हमें कि हम देंगे। कहाँ से देंगे वर्बली? वो अपने घर से देंगे क्या? 2004 में हुड्डा साहब की सरकार थी। मैं हुड्डा साहब से पूछना चाहती हूँ कि आपने ओपीएस क्यों खत्म किया था? आपकी सरकार थी, बीजेपी ने खत्म नहीं किया था, तो अब आप कैसे लागू कर दोगे उसी ओपीएस को? क्या आप थूक के चाट लोगे क्या? ये टोटली झूठ फैला रहे कि 6000 में अभी बुजुर्गों की पेंशन कर दूंगा। कहाँ से कर दोगे? तो देश नहीं चलाना क्या आपको? पेंशन तो फिर लगातार भाजपा में बढ़ने लग रही है, हर साल बढ़ने लग रही है। हर साल हमने तो आम तरीके से बढ़ाते हैं, हमने देश चलाना है, हमने देश को डुबाना थोड़ी है कि हमने वोट बैंक को खुश करके देश को डुबो देंगे। हमने देश भी चलाना है, वोट बैंक भी खुश रखना है, बुजुर्गों का भी सम्मान करना है हमने। हम हर साल उसमें बढ़ोतरी करते हैं, जैसे कर्मचारी के डीए में बढ़ोतरी करते हैं, ऐसे बुजुर्गों की पेंशन में भी बढ़ोतरी करते हैं। और ये झूठ प्रचार हो रहा है सारा, ये वोट बैंक इनका नहीं था, ये झूठ का वोट बैंक था जिसकी पोल पट्टी अब खुल जाएगी। थैंक यू। चले जी फिर उड़ा कुर्सी घनी है, चिंता ना मानो। राम राम जी। राम राम। शुभ नाम। गांव कौन सा अपना? सरपंच उमेश सिंह जी, सरवाल सर। अच्छा जी, हाल सर, हाल चोट के सरपंच हो आप। तो आज जो है यह मीटिंग होना रही है भाजपा की, इस तक के मानो हो राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में, तो असम की राजनीति में कितना के बदलाव होगा? देखो बदलाव की बात यह है, हर पार्टी ने तो कोई पार्टी हारती जीतती है। आज जो इस तरह मंडल की जो मीटिंग ली जा रही है वो इसलिए ली जा रही है कि भाई हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो निष्ठावान होकर काम करें जी, ठीक है। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसका नेतृत्व एक सही आदमी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो एक सराहनीय योग्य है। अगर कमज़ोर कड़ी में है देश की, अगर हम नेतृत्व किसी कमज़ोर के हाथों डाल देंगे तो हमारा देश कई महीने में पीछे पिछड़ जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि देश का जो नेतृत्व देने वाली पार्टी है माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके नेतृत्व में देश पिछले 10 सालों से अग्रसित यानी विकासशील देश बना है। और उनका लक्ष्य यही है कि 1947 में तो आज़ाद हुआ और 2047 तक देश को उस मुकाम पर खड़ा करने का लक्ष्य है जिससे कि दुनिया के अंदर हिंदुस्तान नंबर वन दर्जे का देश कहलाए। धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार जी, कौन सा काम हमारा? सरवाला जी। सरवाले हैं। तो सरपंच साहब अभी बता रहे थे भाई देश ने जो है विकासशीलता विकसित की ओर ले जाना रहे नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वही बात करें लाइन सिस्टम की या फिर ऑनलाइन सिस्टम की, कागज़ इतने ज़्यादा इस सरकार में बने हैं, 10 साल में जनता परेशान हो रही है आम जनता ने, भाई कागज़ चाड़ तो पंडा छुट जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं है जी, क्यों? कदे आधार कार्ड, कदे फैमिली आईडी, कदे पीपीपी विवरण के बना रहे, उनकी सुविधा के लिए जी। तो सुविधा तो एक आदमी तो मान लो सी सी सेंटर में खड़ा रहे ना जी, इसी कोई बात को नहीं, परेशानी नहीं हो रही ना? कोई परेशानी को नहीं जी, बेनिफिट भी है जी, सरकार फायदा कर रही है। क्या कुछ फायदा है इस 10 साल का? आयुष्मान कार्ड बना दिए जी, वो चलते कई अस्पताल में तो चल नहीं, चलने क्यों नहीं? एडमिट होना पड़ेगा जी, एडमिट होना पड़ेगा जी। तो आपका परिवार में या आपने या किसी रिश्तेदारी में किसी ने फायदा उठाया है? मैंने उठाया एक तो फायदा। अच्छा, क्या चीज थी, क्या दिक्कत थी? मेरा हार्ट की दिक्कत थी। अच्छा, रीलाज हो गया जी। कौन सा अस्पताल में करवाया आपने? इसमें सीएमसी में। सीएमसी में
तो मतलब बेनिफिट दराते लो बेनिफिट बेनिफिट है हाँ ये बताओ के को थे मैं कहूँ जी जो ऑनलाइन सिस्टम है ना उससे बढ़िया सिस्टम देश के अंदर कहीं नहीं है। जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था ना तो भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ था कि लोगों की पॉकेट खाली हो जाती थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान है ग्रेजुएट होना, ग्रेजुएट बच्चे हैं वो सब अपने आप ऑनलाइन काम करते हैं। तो पर अब बढ़िया आपकी बात तो मान ली लेकिन भर्तियाँ कहे तो पहली बात तो लिख रहे कौन नहीं लिख रहे तो फिर वह रिजल्ट कौन है और रिजल्ट आ जाए तो वह डट जाए 100 जाए तो रद्द हो जाए। नहीं आप मेरी बात सुनो, पहले भी ऐसा ही था, अब कोई नया थोड़ी है। पहली भर्ती हथांत कराया करता वह कंसील हो जाया करती, कितना बच्चा भविष्य बर्बाद हो जाता। अब भर्तियाँ कंसील नहीं होती हैं, ऑनलाइन भर्ती निकलती हैं, ऑनलाइन बच्चों का सिलेक्शन होता है। हाँ पेपर लीक हो जाए तो वह के बड़ी बात होगी, पकड़े वीजा हैं वह कैद वही काटे हैं। सबसे बड़ी चीज यह भी तो है बिना खर्ची पर्ची के नौकरी लगे हैं। हाँ, मतलब 15-15 लाख की सुना नहीं, 15-15 को मारा काम है, 5-7 वाला किसा है जन के गरीब किसी डाल को भी कौन सा काम था ईश्वर वाला काम है तो ईसा नौकरी लग रहे हैं जो सोच कौन सको आप। अच्छा तो बताओ सरकार ने किस तरह गलत कह दिया। सबसे बड़ी बात पहले आपको भर्ती कौन लिखने, लेकिन लिखने ना जित जिसको ओगे है जो पढ़े लिखे है जो करे क्लियर है उसकी जरूरत को नहीं। पहले 5 बार चंडीगढ़ चक्कर काटेगा दौर काटेगा था 5,000 भाड़ो ला जाएगा तो 7 दिन फिर वो आखिरी में होकर तो कौन नहीं। ये तो सबसे बेनिफिट है, अगर नौकरी लग गए तो 1 रुपये लगने की तो गुंजाइश को नहीं। वो बाढ़ पढ़ेगा तो अब जो नहीं पढ़ेगा तो वो करके लेगा। तो ये कौन सा दावेदार है जो कमल का फूल तो सामने खिलास का है? किरण चौधरी। अच्छा इसमें कुछ शक मानो आप? तो जो पहले तो तैयारी करने लग रहे हैं पीछे के हैं जो इतना टाइम हो गया है देखो कुड़मैन सारन लेके साथ चलना पड़ेगा। हाँ। पीछे तो तैयारी करे हैं, पार्टी का हाईकमान को फैसलो है वो अपने अपने ने बैठ के आप करना चाहो विश्वजीत पवार के खातर सबका फैसला सही तरीके कर करें। अगर पार्टी हाईकमान कुछ मौको देगी तो उसके लिए सारी जनता बीजेपी मिल गया तो सब तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। खिलेगा कमल का फूल। अच्छा तो सब में तो फिर शामी वारन करे भाई, शामी भी तो नु बताऊं बंसीलाल का पोता ही मैं नुको भाई मैडम किरण चौधरी दावेदार है, शामी भी तो बंसीलाल का पोता खड़ा है जो नुको मैं असली विरासत हूँ बंसीलाल की। बंसीलाल का पोता तो जी है ना जबरदस्ती आड़ लाया गया है तो बारड़ा कैंडिडेट था तो वही रहना चाहिए था। अच्छा ये तो आपस में मतलब दोनों घर भाईचारा मतलब बिगाड़ने की सोच है तो और अंतिम कोई भी हो तो उड्डा है वो अपना खेल खेलेगा। लेकिन यहाँ तो मैडम ही है मतलब बीजेपी भी नहीं मैडम ही है तो सामने तो अच्छा अच्छा तो सामने मैडम है। फिर और प्रत्याशी कित जाएंगे तो जो पहले थे तैयारी करने लग रहे हैं पिछली बार शशि रंजन परमार थे उनका कोई वजूद को नहीं आ रहा है वही बाजरे की दौड़ में से। अच्छा हाँ आ रहा मैडम किरण चौधरी रहेगी। अच्छा हाँ मैडम किरण चौधरी जीतेगी चाहे कोई अभी आ जाइए कोई भी आ जाइए। हाँ तो कांग्रेस भी तो अब तैयारी करने लग रही है अपना पूरा जोर, लोकसभा चुनाव में भी अपने देखा है तो विधानसभा चुनाव में भी जोर लगाओगी कांग्रेस? बेशक लगाओगे, मैडम भी तो जोर लगाओगी ना, वो सारा जोर न्यू खाली खाली थोड़ा जाएगा। अच्छा खाली कौन सा? खाली कौन सा? बोलो ठीक ठाक हो? ठीक है जम्मा जी। तो के कुछ मानना है किसी की तैयारी चल रही है विधानसभा? बढ़िया तैयारी चल रही है जी चुनाव विधानसभा की और आज जो ये चारों जगह जो बैठकें चल रही हैं पहली बैठकें तो लुहाणी में है, दूसरी बैठक सरवाल में और तीसरी तोसाम में और चौथी बापोड़ा है। और आज के जो देखा जाए तो यहाँ तो दो थे किरण चौधरी और शशि परमार सब इकट्ठे हो गए, दोनों सहम जीते से एक जना इलेक्शन लड़ लेगा और यहाँ तो कोई अनुरोध को तो जानता ही नहीं है। बंसीलाल का एकमात्र पोता है अनुरोध? नहीं नहीं बंसीलाल का पोता कहाँ है, वो कहाँ थे जब उसकी बहन की शादी थी तब चौधरी बंसीलाल को नहीं बढ़ने दिया था, भजनलाल को विदा करवाई गई थी और सुरेंद्र और वो रोते रह गए थे और उसकी दादी वहाँ से वो ले आई थी 15 लाख का सामान वो भी नहीं लिया था इन्होंने। आप बताओ जब मैं गलत पिटा है मैडम किरण चौधरी को जो श्रुति को 2 लाख भीम स्टेडियम के अंदर वहाँ सबके वसुंधरा भी थी राजस्थान की मुख्यमंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और सबके अनुवाई में पगड़ी पहनाई गई थी और वहाँ 2 लाख आदमी थे उनके आगे चौधरी बंसीलाल ने भाई ये हमारी अब आगे पगड़ी है। तो फिर जयप्रकाश जेपी ने बयान दिया भाई ना वो तो अभी कदे तो गुंडा है वो कभी बाण बेटी इज्जत रखता ही नहीं है। अच्छा हाँ उसको तो पहला भी ऐसा रिकॉर्ड है वो चौटाला में था तब भी वो गुंडागर्दी कर कर ग्रीन ब्रिगेड का वो था। अच्छा हाँ तो सदा तो ये चीज होनी चाहिए है ये ठीक ठाक बढ़िया। तो के कुछ प्रभाव लगना रहे है विधानसभा चुनाव का? बहुत बढ़िया। तो बढ़िया तो आड़ भाजपा कमल 20 साल होली खेलता तो कोनी विपक्ष रहा है कोनी? अच्छा खेला कोनी कमल खेल रहा लोकसभा चुनाव में? नहीं विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में काफी बहुमत है
कमल खिलेगा। तो कमल खिला किस तरह का, अब जो किसान हैं वह हुड्डा साहब ने मानना लाग रहे हैं भाई भावी मुख्यमंत्री। हम किसान को नहीं, ये सारे किसान हैं, सारे किसान आ रहे हैं, ये सारे किसान हैं, इनमें तहसीलदार के भी आ रहे हैं, इनमें तहसीलदार कौन सा, सारे किसान से। तो वो किसान तो वो है ना जो 13 मिनट की रिपोर्टर बैठा है लटकाए 750 सही शहादत, उनने किसान मानो गे, हमने किसान कौन मानो। तो किसान होते तो आप बड़ा समर्थन ले गए थे, लेके गया था ये हमारे सबसे पहली चोटी जाने वाला, हाँ टिकली बोर्डर, हाँ यहाँ से लस्सी और दूध का पीसा दे के गाल की लेके थे, अच्छा अच्छा केड़ा भी गाल की लेके सरू चोट में, ये राकेश और पहले ईश्वर वाला गांव से केड़ा पिकअप ले गए और दिल्ली टिकरी बोर्डर पर हम जाने वाले थे, हमारे युवा की टीम थे और टीम ने सारा ने बातचीत करके जाके आया। अब आपको किसान ने के खातर ये कर दिया तो मुआवजे की बात देख लो तो सामने उसमें कड़े दो कदा है, एक बार आया होगा मेरे ख्याल से 5 साल कैब रे, ये लोहरो हल्का में देख लियो तो सामने भी देख लियो जन का कर दो मन दाना को नहीं अगदा सारा कोठी बनाई बैठा तो दो कमरा होगा था कड़ा मर गया जो को मेरा वर्ग एक दो मचा रोला देश तेरा। अच्छा हाँ बता। अच्छा मतलब जनता खुश है भाजपा का, सारी जम्मा खुश है, जिद्याड़ा खड़े हैं काम मैं नहीं खुश हूँ तुम्हारे घर सोहर के काम तुम्हारा हो। तो परेशानियां इतनी ज्यादा हैं जो है ना, खाद बीज उसमें भी नुके हैं वजन कटा दिया महाराज, किम में परेशानी को नहीं सारो सो तो खुशहाल से इतना फिर बता दिया आपने, बिना खर्ची पर्ची नौकरी लागे हैं, हर वर्ग खुशी है, न कोई कांग्रेस में धोड़ा पर नहीं आका थाना में रोड़ो जाएगा तो 4 दिनों चक्कर मटाया मराया गया था, पी के चावल ने उल्टो दिया करता इस समय राम राज आ रहे हो। तो भाई तो कह है दुला का भर्ती निष्पक्ष हो है लेकिन हो तो सी डी के हैं, ए बी के आई के थे वो बाहर के ले ले भर्ती निष्पक्ष हो बगैर खर्ची पर छोड़ दिया टापर ही फिर परेशान है, फिर बिगड़े डाले बाढ़ देखने लगा कहां तोड़ दिया मेरा नुगा, 5 नंबर हटाया जाए रिवाइज आ लिया 5 नंबर हटा दिए वो शीट ही था के 5 नंबर रिवाइज हटा दिए, नहीं तो कितना बड़ा फायदा था गरीब आदमी टापर लाकर उसमें 5 नंबर का फायदा, वो भी विपक्ष का काम है कभी गरीबों का भला हो जाए, प्लस माइनस का निशान है उसके अंदर, कांग्रेस हमेशा गरीब विरोधी रही। अच्छा यह सरकार ठीक है आपके साथ बिल्कुल जी, आ जाओ भाई बाबू जी फूल तो ले ही खड़े हो, आत्मा अपने फूल तो ले रखे हो, फूल खिलेगा कि नहीं, फूल ईब खिला दें हम यहाँ पार्टी में। अच्छा अच्छा हाँ पहली तो कौन खिलाओ तो ईब तो खिलावा। अच्छा ईब खिलाओगे, कोशिश तो कराएंगे। अच्छा तो फिर नया परिवार मिला है थोड़े से दिन हुए पर किसा का लग गया परिवार, तो सारा चेहरा नया नया लग गया हम तो। अच्छा हाँ परिवार में तो पुरानी जगह छुट्टी है, पुरानी जगह छुट्टी नया नया से जानकारी करनी पड़ेगी। तो अगर अभी पशुधन की बात करा वो भी जा है तो दूसरी जगह थोड़े से दिन वो कराया करा है तो फिर दूसरी जगह बदलो तो बड़ा फर्क तो पड़ेगा, तो पुरानी जगह की याद आवे है नू भाई उड़े ठीक थे मान लो ठीक से काम जो है, पुरानी जगह छोड़ गया याद तो याद दियो हमारा पच नई जगह टो आती मड़ो फर्क तो पड़े इस बात में। अच्छा नू का कार्यकर्ता ने बुझी नहीं गई मैडम मतलब विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन चीज ना भाई पूछ की गई है जमा। अच्छा ना पूछा है तड़ के काम था मी उसकी घरी बैठा रहे। अच्छा तो ये झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, झूठी अफवाह है सारा बुझ की फिर गई है। ठीक 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 धन्यवाद राम राम भाई साहब। राम राम भाई और भाई मुकेश थोड़ा और भाई मुकेश के ज्ञान है बढ़िया सचिन है। तो नया परिवार मिला है किसा लग गया नया परिवार बहुत बढ़िया। तो फिर नू पुराना तक टेम की पुराना तक घर की नू याद आ जाए कभी बड़े ना कांग्रेस में के ही भी। अच्छा कांग्रेस सरकार तो कोनी आवा फायदा के बिरान वो लोग तो नो कहने लगा भावी सीएम मुंडा साहब है ना ना कोनी नहीं ना कड़ाई को रोते करनी है कांग्रेस और कड़ाई को नरी। अच्छा उड़े उड़े नरी से तो आड़े भी तो। अच्छा अपने तुषाम की बात करा मुकेश भाई तो विरासत टकराण ना रही है बंसीलाल परिवार के जो है एक पोता और एक पोते आमी शामी होंगे तो फिर किस तरह देखो चुनाव में श्रुति जीतेगी। अनिरुद्ध भी तो पोता है ना श्रुति जीतेगी। अच्छा हाँ चौधरी बंसीलाल की वारिस है सुरेंद्र और श्रुति नहीं किस तरह का इसका पोता तो एकमात्र पोता अनिरुद्ध चौधरी है आप ही मतलब किस तरह का इसका की वारिस नहीं है। नहीं यह तो कौन का इलेक्शन लड़ा वो बर्ड है बर्ड में उसने 3 बार इलेक्शन लड़ा है वहाँ जीत है उसकी वो तो उड्डा की फेट में आ रहा है भाई उड्डा चाहता है बंसीलाल परिवार को मैं खत्म करूँ उसी का लग रहा है उसने ये काम कर दिया वो कहता है मैं तो शाम से इलेक्शन लड़ूंगा तो शाम तो उसका 20,000 वोट को नहीं आवा। अच्छा हाँ क्यों आड़े बंसीलाल परिवार के सारे लोग लड़ रहे हैं। नहीं मैडम ने तो काम किए सुरेंद्र ने काम किए महेंद्र ने अग्निरुद्ध चौधरी ने तो सामने क्या किया है ये बताओ ना आप आया कौन तू सम आने लगे हैं अड़े तो सुरेंद्र सिंह ने कराया मैडम किरण चौधरी ने डिग्गी बनवाई पाइपलाइन नहर चोरी बंसीलाल घर घर नौकरी दी है सबकी मैडम और ने करो है ये कदा नहीं कद करो
अच्छा एक कांग्रेसमैन नु बतावा कि धोलपोसी होया करदी अच्छा होया करदा धोला कुर्ता पहननी धोलपोसी हो गए अच्छा की बताऊं मैं के करया करदे मुकेश मारा तो भाई देख शुरू तो धोला ही परेंगरी अच्छा मुकुर तो हां नहीं वो के करया करदे मन जकरा सुने वो पर्ची खर्ची की करदे नवल सोले फिर ई सरकार का के मानना बढ़िया सरकार सम्मान काम करे सम्मान नरे हम पणियाओ है सम्मान नौकरी मिले बिना खर्ची पर्ची वाले पास सच्चाई नहर लुवारू देख ले काम अपने के तुम लुवारू में तू शाम में क्या करया तू शाम मत कोनी आया फिर तो शाम में ही हो जागो अच्छा हां तड़का स्पटना गेम करो चोरी वाली फिर हो तो शाम में लेकिन अभी मैडम आई है ना तो अभी काम होंगे के जी तो बीजेपी ने कोई काम नहीं किया तो शाम के अंदर आज तक एक ईंट नहीं लगी 10 साल सांसद धर्मवीर रहे हैं कोई काम नहीं किया कुछ नहीं हुआ तो शाम के अंदर लेकिन अभी मैडम बीजेपी में आई है तो काम होंगे काम तो मैडम नहीं करने तू शाम में अग्निरुद्ध चौधरी ने थोड़ी करने है उसने तो उड़ाया था पिला रखे जा बेटा तेरे चाचे विरोध लड़ ले इलेक्शन है चाल है ये तो है नहीं टिकट मिल जाओ चाहे अच्छा अच्छा राम राम भाई साहब नमस्कार भाई क्या कहना है अपना किसी के लागे है तो शाम की राजनीति किस डब बैठन वाली है तो शाम की तो किरण चौधरी से उसे डब राजनीति बैठे किला डब चल जाओ अच्छा भाई बिरन नुक है वर्करान बिना बुझी गई है मैडम बीजेपी में भाई सब न के घर घर जाई थोड़ी बुझ जाके बाकी बुला के बुझ जाए अच्छा तो खास खास मुकेश ने बुझ ले कांग्रेस में रह के गए थी वे मुकेश टिकट कट की बन जी तो आड़ा रह की के फायदे तो अच्छा चर्चा करी थी मुकेश अपने ते हां बिल्कुल मेरा ननु को बिना बुझे चली ना 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 सब ने पूछ की मिलजुल के सब ते बात रह लेगी गई तो ये झूठी भ्रांति है के करा तो कि सहे कोरी 10 साल ही होगी 10 और कर लिकड़ गया आगे बीजेपी आने लरी छे अच्छा अच्छा कि प्रेरित कोनी रोड़त लिकड़ गया लड़ाई ते लिकड़ गया पंडो चुटकी सिर पट्टे अड़ कांग्रेस में कदा है के टोल और डिफॉल्टर कट्ठो वोट कोनी एक कलका के अंदर 15 कैंडिडेट का थप्पी मार रखे हां टिकट किसने मिलेगी तो टिकट तो दावेदार होगा मजबूत एक को मजबूत को मिलेगा लेकिन 15 भाजेगा कोई जेजेपी भाजेगा कोई और कड़ा भाजेगा कड़ा और कड़ा भाजेगा बीजेपी ने दसा का थप्पी लगा रखी है उड्डन है उनका खर्चा लगवाने लग रहा है वो 20-30 हजार मतलब उनका लागे है रोज लागे है ने पोस्टर भी मुड़वाने पड़े हैं गाड़ी घोड़े भी अंडाव है मानस भी ले जाने पड़े हैं तो वो और बैठे क्या करेंगे फिर भाजेगा है कैंडिडेट हो तो एक तो हो तो न्यू इसने तो ये काम कर रखा है बड़ा परिवार चौधरी बंसीलाल गया करता था रोत कीर कोत की एक होते हैं उसको रोत तक सिवाय कोई काम नहीं है हाँ है बंसीलाल ने ये बात कही थी ना इनका थम कदे यह बात ना दे दियो नहीं बावड़ की आवन खोन देंगे तो जो हो भाई जनता था भी आपने बातचीत करी और लोगों ने अपने विचार भी रखे हैं आने वाले जो भविष्य में विधानसभा चुनाव में तो यह जो तुसाम की सीट है यह एक ओटसीट बनेगी और राजनीति जो है हरियाणा की नज़र प्रदेश की नज़र देश की नज़र शायद इस सीट के ऊपर होने वाली है। फिलहाल जो है स्वर्गीय चौधरी जगन्नाथ जी की जो पार्क बना रखा है उनका नाम पर जो जगह बना रखी उड़ा भैया मीटिंग होने वाली है कुछ ही देर में जो जिन नेताओं का अपना इंतज़ार है वह पहुँचने वाले हैं अच्छा वह पहुँच जाएंगे अब उनकी बातचीत भी सुनाऊँगा अपने कि वह के कहें के विचार दरकी जा हैं तब तक के लिए जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्द भाई वीडियो शेयर कर दियो चैनल सब्सक्राइब कर दियो सारे दर्शक चाचे तैयार भाण भाई ने राम राम जी।